किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे नौकरी की तलाश थी। सेनापति उसका दोस्त था, वो चाहता था कि राजा के यहाँ पर कोई नौकरी मिल जाए। सेनापति के पास में हिम्मत करके पहुंचा। पहले तो उसको लग रहा था कि सेनापति से नौकरी मांगना सही नहीं है, लेकिन जब उसे कहीं से जॉब नहीं मिली तो उसे लगा कि अब दोस्त के पास चला ही जाता हूँ। जाकर के कहा कि मुझे राजा साहब के यहाँ पर नौकरी दिलवा दो। सेनापति ने पूछा कि तुम्हें क्या आता है, तो लड़के ने कहा कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, कुछ खास मुझे आता नहीं है। उस सेनापति ने कहा कि फिर तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिलेगी, चलो ठीक है राजा से मिल लेते हैं। राजा साहब के पास गए, राजा ने वही सवाल किया कि तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है। तो उस लड़के ने कहा कि ऐसे तो कोई खास स्किल नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, कभी कोई काम अटकने नहीं देता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, रख लेते हैं लड़के को। उसे काम पर रख लिया गया, लेकिन उसे कोई काम दिया नहीं गया, बस ऐसे ही क्योंकि सेनापति ने बोला था, तो एक होता ना जुगाड़ से नौकरी मिल गई, तो काम करने लगा, आता था जाता था, थोड़ा बहुत काम राजमहल में कुछ होता था कर देता था, वरना उसे कोई खास काम नहीं दिया हुआ था। एक बार राजा को लगा कि इस लड़के को उस गांव में भेजते हैं जहां से हमारा पैसा बकाया है, थोड़ा तो काम में लेते हैं। तो उसे बुलाया गया और कहा गया कि सुनो घोड़ा तैयार है तुम्हारे लिए, तुम निकल जाओ घोड़े पर बैठ करके, एक गांव है दूर पहाड़ के नीचे, वहां जाना, उन गांव वालों के पास में हमारा पैसा बकाया है, उन्होंने हमसे लोन लिया था लेकिन आज तक चुकाया नहीं है, तुम ये कागजात लेकर के जाओ और उनसे सारा पैसा लेकर के आओ, बस इतना सा काम तुम्हें करना है, आज तक वैसे भी मैंने तुम्हें कोई टास्क नहीं दिया। लड़के ने कहा ठीक है मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, यात्रा से जब लौटूं तो आपके लिए क्या लेकर के आऊं। राजा ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर के आओगे, ये राजमहल घूम लो एक बार, तुम्हें जो लगता है कि जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वो मेरे लिए लेकर के आ जाना। और राजा हंसने लगा। लड़के के दिमाग में बात फिट हो गई कि जो चीज़ इस राजमहल में नहीं है वो लेकर के आनी है। घोड़े पर सवार होकर के निकल गया, पहाड़ से नीचे उतरा, जो तलहटी में गाँव था वहाँ पहुँचा, गाँव वालों को लाइन से खड़ा किया और कहा कि देखा राजा साहब ने मुझे भेजा है, आप लोगों का जो बकाया है वो चुकाने का वक्त आ चुका है। वो कागज़ लेकर के पढ़ने लगा कि इसका इतना बकाया, उसका इतना बकाया। जो गांव वाले बेचारे वहां पर खड़े हुए थे उनकी आंखें नम हो गई, उनके पास में पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो कहां से पैसे चुकाते, इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है। सबकी आंखें नम थी, चुपचाप चेहरा लटका करके खड़े थे। इस लड़के को समझ में आ गया कि इन गांव वालों के पास में राजा का पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। शाम का वक्त था, लकड़ियां जल रही थी, सर्दी का वक्त था, अलाव लगा हुआ था। इस लड़के ने कहा कि सुनिए आप सबका लोन जो है भूल जाइए, आपको राजा को पैसा देना ही नहीं है। जैसे इसने बोला वो गांव वाले शॉक्ड थे कि क्या बोल दिया, हमारा लोन हमें देना नहीं है, पैसा वापस माफ कर दिया। लेकिन फिर उनके माइंड में आया कि कागज तो अभी बाकी है, जिस कागज पर हमारे अंगूठे लगे हुए हैं, राजा ये फिर से कागज लेकर के किसी और को भेजेगा, वो हमसे पैसे लेकर के जाएगा, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। ये लड़का जो था इसने वो कागज उठाया और जाकर के आग में डाल दिया। वो कागज ही जल गया जिस पर गांव वालों के अंगूठे के निशान थे, जिससे कि मालूम चलता कि इन्होंने उधार ली थी। गांव वालों के चेहरे जो थे अब खुशी में झूमने लगे, वो नाचने लगे, उन्होंने कहा क्या बात है, आपने तो वाकई में लोन माफ कर दिया। राजा साहब को कहना हमने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं, बहुत सारा प्यार भेजा है। ये लड़का वहां से रवाना हुआ, राजमहल में पहुंचा, राजा से कहा कि गांव वाले आपको लोन नहीं चुका पाएंगे, उनके पास में पैसा नहीं है। राजा ने कहा कि आप पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो, पैसा लेकर के नहीं आए। लड़के ने कहा कि आपने कहा था ना कि राजमहल में क्या चीज नहीं है वो लेकर के आना, मैं वो लेकर के आया हूं उन पैसों के बदले। राजा ने पूछा कि क्या नहीं है, तो उस लड़के ने कहा कि दुआएं नहीं है, प्यार नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, बस वही आपके लिए उन गांव वालों का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। राजा समझदार था, कुछ नहीं बोला, चुप रहा। कुछ दिनों के बाद में इस राजा पर दूसरे राजाओं ने मिलकर के अटैक किया, इतना भयंकर आक्रमण था कि इसे अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। ये लड़का भी साथ में था, इसने कहा कि सुनिए मैं आपको एक जगह पर छुपा सकता हूँ, उसी गांव में चलते हैं जो पहाड़ के नीचे तलहटी में, वो गांव वाले आपको बचा लेंगे। गांव में संदेश भेजा गया, राजा को उसके परिवार को लेकर के लड़का वहां पहुंचा, गांव वालों ने स्वागत की तैयारी की, राजा साहब को वहां पर रखा सुरक्षित, सारे गांव वालों ने उस राजा की रक्षा की। जब राजा वापस से ताकतवर हुआ तो वापस अपने राजमहल में गया, वो जो आशीर्वाद था, जो दुआएं थी, वो लौट करके आई, उन्हीं दुआओं की वजह से राजा की जान बच पाई। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सिर्फ इतना सा कहना है कि अच्छे काम करेंगे अच्छा अपने आप होने लगेगा, थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन चीजें आपके फेवर में होंगी।
तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, दुआएं कमाते चलिए, प्यार कमाते चलिए, आशीर्वाद कमाते चलिए, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है। वो जो कहते हैं ना चमत्कार हो गया, ये चमत्कार इन्हीं आशीर्वादों की वजह से, इन्हीं अच्छे कामों की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से, दुआओं की वजह से होता है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।